उत्तर भारतीय फेरी वालों के खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक मुहिम शुरू की थी, जो कि अब धीरे धीरे राजनीतिक रंग लेने लगी है और ये राजनीतिक अब दंगल के रूप में उभर कर सामने आ रही है। दरअसल मुंबई शहर के दादर इलाके में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भयंकर झड़प हुई है, जिसकी वजह से इलाके में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। वारदात तब की है जब कांग्रेस कार्यकर्ता दादर स्टेशन के बाहर फेरी वालों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान MNS कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। आपको बता दें कि मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी MNS के कार्यकर्ताओं ने कुछ दिन पहले मानखुर्द रेलवे स्टेशन के बाहर फेरी वालों की दुकानों को तोड़ दिया था। इसी घटना के विरोध में और फेरी वालों के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन MNS ने इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया, जिसके बाद इस मामले पर पुलिस ने भी एक्शन लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठी चार्ज कर मामले को शांत किया। इस घटना के बाद पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ MNS के कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया। हालांकि इसके बावजूद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।